बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाई बहनों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने ज़ोमान में रखेगा। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं, सुबह सुबह मौसम कितना ज़बरदस्त है। मैंने अभी नमाज़ पढ़ी और मैंने अपने बेटे को उठाया, वो जाएगा मदरसे, तो हम बनाएंगे जल्दी जल्दी से नाश्ता। और माशाल्लाह से ये पंछी देखें, सुबह सुबह से कितने खुश हैं। तो सुबह सुबह हम बनाते हैं नाश्ता। तो जिस भाई बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। और माशाल्लाह से ये देखें, ज़बरदस्त व्यू है। और रात बहुत ठंड हो गई थी, जैसे गर्मी होती है फिर रात हम अंदर कमरे में सोए थे। वैसे तो हम एसी में सोते हैं मगर एसी मैंने रात बंद कर दिया था क्योंकि पहले ही बहुत सर्दी थी। और माशाल्लाह से ये हमारा दरख्त देखें, और ये बस कल परसों तक ये दीवार भी बन जाएगी। ये दीवार हमारे हमसायों वालों की है, तो ये बिल्कुल छोटी है, वहाँ से गली में से जो भी गुज़रता है तो सब कुछ नज़र आता है। ये दीवार भी बनाएंगे। और जो ये फर्श वगैरह ये टूट चुका है, इससे भी हम रिपेयरिंग करवा लेंगे। और यहाँ पे जो ये मिट्टी है, यहाँ पे इंशाल्लाह पहले ये दो काम हो जाएं, फिर बाद में हम यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह उगाएंगे या पार्क बनाएंगे या कुछ फूल वगैरह लगवाऊंगी इंशाल्लाह। तो पहले ये दो काम लाजमी हैं, ये फर्श का और ये दीवार का हो जाए। ये बारिशों में देखें, ये बारिशों में बहुत सत्यानाश हो गया था, हमारा फर्श बिल्कुल टूट चुका है क्योंकि जो पूरा पानी था वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, तो यहाँ से ज़मीन काफ़ी हद तक झुक चुकी है। ये देखिए कितनी बुरी तरह से फर्श टूट गया है। और ये हमारा छोटा सा चूल्हा जहाँ पे हम कभी कभार रोटी बनाते हैं। कल मैंने बनाई थी, गैस नहीं था तो फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी, बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह चूल्हा भी बनाएंगे, तंदूर भी बनवाऊँगी और आप बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम चलते हैं किचन में। सुबह सुबह हमारे किचन की हालत कुछ इस तरह से है, तो पहले थोड़ी सफाई कर लेते हैं, फिर हम जल्दी जल्दी से चाय और पराठा बनाते हैं क्योंकि मेरा हस्बैंड भी स्कूल जाएगा और मेरा बेटा भी जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हम पहले बनाते हैं नाश्ता। तो मैंने चाय अभी चढ़ा दी है, अभी हम इसमें डालेंगे चीनी और पत्ती इसमें ऐड करेंगे। आपको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कप वगैरह मैं धो के लेके आई हूँ। आज तो गैस भी बहुत कम लग रहा है, चाय बन जाएगी मगर रोटी नहीं बन पाएगी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि मेरा वो चूल्हा है ना, कुछ लकड़ियाँ मैंने बचा के रखी थी तो उससे हमारी तीन रोटियाँ तीन पराठे होंगे, वो तो हमारे बन जाएंगे। और ये मैं नलके में से पानी लेके आई हूँ क्योंकि हम टंकी से पानी इस्तेमाल नहीं करते, तो वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो हम इस्तेमाल करें क्योंकि कपड़े वगैरह धो लेते हैं मगर पीने के लिए हम पानी नलके से लेके आते हैं। और ये थोड़ा मैंने दूध बचा के रखा है, हमें बस इतना ही चाहिए था क्योंकि आपको पता है हम फैमिली मेंबर तीन ही हैं, तो तीनों के लिए ये चाय बहुत है क्योंकि चाय हम पीते भी कम ही हैं, ज़्यादा नहीं पीते। बस आपको पता है कि सुबह सुबह बस आधा कप भी चाय का होना चाहिए, अगर नहीं पीते तो फिर सर में दर्द होता है। साथ साथ मैंने आटा भी छान लिया है, हम साथ साथ आटा भी गूंदेंगे और तब तक हमारी चाय बनाएगी। तो मैंने इसे इसमें पत्ती और चीनी ऐड कर दी है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए कर देंगे कवर जब तक हमारी चाय बन जाती है। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से आटा गूंद लूँगी, बस अल्लाह करे कि गैस बढ़ जाए, नहीं बढ़ा तो फिर मुझे लकड़ियों पे रोटी बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरा सिलेंडर था आपको पता है, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो भी इतनी काली आग देता है, जैसे ऐसे लगता है जैसे मैंने लकड़ियों पे बनाया, तो इससे बेहतर है कि मैं लकड़ियों पे ही बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने सिलेंडर नहीं भरवाया, वो आप देख सकते हैं ये सिलेंडर यहाँ पड़ा है, तो ये मेरे काम का नहीं है। ऐसे मेरे हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं, जैसे लकड़ियों की आग भी काली कम होती है, इसकी पता नहीं ये सिलेंडर शायद ख़राब है तो बिल्कुल सारा सत्यानाश कर देता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो
वैसे ज़्यादातर तो मैं नहीं बनाती क्योंकि माशाल्लाह से गैस हर टाइम होता है, जब नहीं होता तो फिर वैसे मुझे मुश्किल नहीं होती। तो इंशाल्लाह मैं बनवाऊंगी, चूल्हे भी बनवाऊंगी, तंदूर भी बनवाऊंगी। मुझे बहुत शौक़ है कि ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर भी करेंगे भाई बहनों के साथ। तो जब तक हमारी चाय बन जाए तो मैं जल्दी जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। माशाल्लाह से चाय हमारी डन हो चुकी है, तो इसे हम कवर कर लेते हैं। और मैंने ये तवा चढ़ा दिया है, आटा भी मैंने साथ साथ गूंद लिया। तो जल्दी जल्दी से हम बनाएंगे पराठे क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। बस शुक्र अल्लाह का गैस भी बढ़ गया माशाल्लाह, ये देखिए। तो ये मेरा पराठा यहाँ पे बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हम पराठे भी बनाते हैं, चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह से हमारा ये पराठा बन रहा है। तो जल्दी जल्दी से ये एक पराठा बना लेते हैं। बाकी मैं तो सुबह को पराठा नहीं खाती, तो मेरा हस्बैंड खाएगा और चाय और पराठा हम उसे दे के आते हैं। अगर सालन भी होता है तो फिर वो खा लेती है। तो इसमें हम डालेंगे अभी ऑयल और देखना बहुत मज़े का पराठा बनेगा। थोड़ा गैस कम कर लेते हैं हम, आग ज़्यादा है वरना हमारा पराठा जल जाएगा। माशाल्लाह से आप कहते होंगे कितनी बड़ी रोटी है, तो मैं रोटियां बड़ी ही बनाती हूँ और थोड़ी मोटी भी। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं। ये ले माशाल्लाह से, ओह तो देखिए हमारे पराठे का ज़बरदस्त कलर आ जाए। तो हम इसे उतार लेते हैं। चेक करें माशाल्लाह से। तो जो भाई बहन सुबह सुबह नाश्ते में पराठा खाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन किस किस को सुबह सुबह चाय पराठा अच्छा लगता है। मेरे बेटे को तो बहुत अच्छा लगता है, वो तो कहता है हर टाइम बस चाय पराठा ही हो, भली सालन ना हो तो ना हो, चाय पराठा लाजमी होना चाहिए। तो अभी हम इसे उतार लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही माशाल्लाह से ये देखिए क्रिस्पी हो गया। तो इसे हम उतार लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। और फिलहाल आग कम कर लेते हैं। ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है, अब हम जल्दी जल्दी से निकालते हैं चाय। ये वाला मेरा कप है, मैंने थोड़ी सी इसमें चाय निकाल दी। मैंने चेक की कि चीनी और पत्ती कैसी है, तो बहुत परफेक्ट है। और माशाल्लाह से ये देखिए हमारी चाय का कलर, हम कड़क पीते हैं। मैं पत्ती बहुत ज़्यादा डालती हूँ और चीनी कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस सही होती है। बस ये बहुत है। और अभी हम इस कप में चाय निकाल लेते हैं। ये मेरे हस्बैंड का कप है और ये वाला जो है ये मेरा कप है। तो ये हो गया डन, इसको हम कवर कर लेते हैं इसे। तो हमारी चाय और पराठा रेडी हो चुका है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ट्रे। ये पराठा यहाँ पे रख देते हैं और ये चाय मेरी यहाँ पे, और ये मेरे हस्बैंड की चाय यहाँ पे रख देते हैं। और मैं तो सुबह सुबह ये खाऊंगी चाय के साथ। तो जिस भाई बहन ने खाना है हमारे साथ चाय पीने और पराठा खाने को, जल्दी जल्दी से आ जाए।
हम आ गए उताक में, आपको कबूतर दिखाते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए हमारे कबूतर और मुर्गे और हमारी उताक का कुछ हशर इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमारे मुर्गे हैं और वो वाले हमारे कबूतर, और ये रूम बंद पड़ा है। और ये माशाल्लाह से देखें, क्योंकि अभी मेरे बेटे ने उनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि वहाँ की मैंने आपको दीवार बताई थी, ये जो ईंटें हैं सामान सारा आ गया है, बस अभी थोड़ा बहुत रहता है, वो जब आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। तो फिर इस वजह से मेरे बेटे ने कहा वो वाला जो वॉशरूम है, ये वाला जो है यहाँ, ये खाली था तो उसने कहा चलो फिलहाल हम उनको यहाँ पे रख देते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े में है, बहुत खुश होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वॉशरूम काफ़ी बड़ा है और जो इनका घर था वो छोटा था। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। चेक करें, ये मैं ऊपर आ गई हूँ, इन ईंटों के ऊपर खड़ी हूँ, और मैं आपको यहाँ से ये दरख्त वगैरह दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मौसम देखिए कितना प्यारा और ज़बरदस्त लग रहा है। ये हमारी टंकी और ये बाहर का व्यू, और ये हमारा उताक है। तो यहाँ पे कुछ मंजियाँ वगैरह पड़ी हैं और भी कुछ सामान है, यहाँ पे बैठते हैं। और ये वाला दरख्त है, इसको हमने पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि मुर्गे पूरा खा जाते हैं। अभी तक तो ये बड़ा इतना होता कि इसकी छांव के नीचे हम बैठ जाते हैं, मगर ये मुर्गों ने सारा सत्यानाश कर दिया है। और कुछ मेरी बकरी ने भी किया था, वो यहाँ पर थी तो उसने सारा सत्यानाश कर दिया इसका। और ये देखिए मोटी मोटी लकड़ियाँ, ये मेरा हस्बैंड लेता है सर्दियों के लिए, वो आग जलाता है, तो ये अभी पड़ी है, ये बची हुई है। और माशाल्लाह से हमारे कबूतर, और ये हमारे मुर्गे, ये आप देख सकते हैं। देखिए सुबह बच्चे आए थे ये फिश लेके, तो ये हमें फ़िश दे के गए, तो हमने इसको भी काट लेना है। और मैंने आपसे कुछ बात करनी थी कि हम सिंध में रहते हैं और हमारी जो ज़बान है वो सिंधी है, हम सिंधी में पूरा दिन अपने घर में बात करते हैं, तो मैं उर्दू में थोड़ी मुश्किल होती है, कोई भी बात अगर गलत हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, क्योंकि अभी मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मैंने आपके लिए इंशाल्लाह सिंधी में एक व्लॉग बनाऊंगी, तो आपने वो मुझे कमेंट में ज़रूर कहना है कि आपने सिंधी में एक व्लॉग बनाना है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद ज़रूर रखना। तो अभी हम इस जल्दी जल्दी से फिश काट को काट देते हैं, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।